और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ तुझे सलाम। दोस्तों ये वाला सॉन्ग यहाँ पर आएगा, लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने यहाँ पर अपलोड नहीं किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक और ऑडियो दोनों में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें काइंड मास्टर को ओपन कर लेना है और कुछ इस तरह का वीडियो को शूट कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह का वीडियो शूट करने के बाद हमें काइंड मास्टर में ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें बीच में स्प्लिट कर लेना है और दोनों का क्रॉपिंग साइज सेम कर लेना है। फिर दोस्तों हमें स्प्लिट करे हुए वीडियो को हमें स्लो मोशन में कर लेना है। फिर यहाँ पर हमें फ्रेम पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करने के बाद इस फोटो को सेव कर लेना है। फिर दोस्तों हमें पिक्सार्ट को ओपन कर लेना है और उस फोटो को उस पर लोड कर लेना है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर हमारे फ़ोटो को क्लोन कर लेना है, क्योंकि हमें एंट्री पार्ट नहीं है तो हमें क्लोन कर लेना है अपने फ़ोटो को। तो यहाँ पर एडजस्ट में क्लिक करना है, फिर क्लोन टूल के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का क्लोन कर लेना है हमें अपने फ़ोटो को, और जब हम एंट्री पाड़ेंगे तो कुछ अलग सा इफेक्ट आएगा, VFX लुक आएगा, बहुत ही गजब का लुक लगेगा अपने वीडियो में। इसके लिए हमें इस फ़ोटो को क्लोन कर लेना है बड़ी ध्यान से। मैं यहाँ पर फटाफट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एकदम ध्यान से हमें क्लोन कर लेना है ताकि वीडियो अच्छी बने। दोस्तों क्लोन हो जाने के बाद इस फोटो को हमें कर लेना है सेव पिक्सार्ट में, फिर सेव करे हुए फ़ोटो को हमें ऐड कर लेना है अपने वीडियो के स्टार्टिंग में। अब हमें इस फोटो का ड्यूरेशन रिड्यूस कर लेना है, 1 या 2 सेकंड का रख देना है ड्यूरेशन। फिर हमें क्लिक करना है लेयर पे और मीडिया पे क्लिक करने के बाद VFX एंट्री वाला वीडियो हमें ऐड कर लेना है। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसको सबसे पहले हमें ट्रिम कर लेना है, जितना आपको एंट्री में चाहिए उतना सेट कर लेना है। फिर हमें उसका क्रॉपिंग सेट कर लेना है। क्रॉपिंग सेट करने के बाद हमें क्रोमा की को अनेबल कर लेना है और आपके हिसाब से सेट कर लेना है अपने वीडियो में। तो दोस्तों ये एंट्री सेट हो जाने के बाद हमें लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है, और जो इंडियन फ्लैग VFX वाला वीडियो है उसको हमें ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद हमें सेट कर लेना है अपने वीडियो में। फिर हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये ब्लेंडिंग इफेक्ट को हमें अपने हिसाब से सेट करना है। मेरे वीडियो में मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। आपके वीडियो में ब्लेंडिंग इफेक्ट कैसा लग रहा है आपके हिसाब से सेट कर सकते हो, क्योंकि मेरे वीडियो में तो मल्टीप्लाई इफेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई को सेट कर लूँगा और यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। फिर इस वीडियो को सेट करने के बाद ये जो फालतू का हिस्सा है फ्लैग वाला वीडियो का, उसको हमें काट लेना है और यहाँ पर एक और लेयर ऐड करनी है। लेयर में जाना है और मीडिया में जाना है और वहाँ पर एक और मैंने वीडियो दिया होगा उसको ऐड कर लेना है, लाइटनिंग इफेक्ट वाला। तो लाइटनिंग इफेक्ट VFX वाला वीडियो को हमें ऐड कर लेना है। तो दोस्तों अब हमें इस वीडियो को आधा ट्रिम कर लेना है और आधे से हमें थोड़ा फॉरवर्ड करने के बाद जो फ्लैग लगा हुआ है वहाँ पर सेट कर लेना है। दोस्तों सेट करने के बाद इसको हमें ब्लेंडिंग इफेक्ट लगानी है ताकि ये वीडियो के अंदर मर्ज हो जाए। तो मैंने यहाँ पर लाइटन ब्लेंडिंग इफेक्ट को ऐड कर लिया है, जिसकी मदद से बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस वीडियो में। दोस्तों इसको ऐड करने के बाद ये लाइटनिंग इफेक्ट वाले वीडियो की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम कर लेनी है। तो दोस्तों इतना सब हो जाने के बाद हमें वीडियो को सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। और दोस्तों आपको बता दूँ, ये जो काइंड मास्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये प्रीमियम वर्जन है। अगर आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो सेव हो जाने के बाद हमें स्क्रिम्बल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको प्रीमियम वर्जन फ्री में देने वाला हूं, तो आप लिंक से ही डाउनलोड कर लेना, आपको वहां पर प्रीमियम वर्जन फ्री में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमें वीडियो को ऐड कर लेना है इस एप्लीकेशन के अंदर। और दोस्तों वीडियो को ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप वेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एक एक फ्रेम अलग अलग होके ऐड होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से आप ग्लोइंग इफेक्ट अपने वीडियो में ला सकते हो। अब हमें जहाँ पर भी ग्लोइंग इफेक्ट को ऐड करना है उस लेयर पे चले जाना है।
फिर ऊपर जो कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके कलर सेट कर लेना है। और यहाँ पर नीचे जो साइज लिखा हुआ है उसको भी हमें सेट कर लेना है। तो साइज को भी सेट करने के बाद हमें जो वीडियो लेयर है उसके ऊपर ऐड करना है अपना ग्लोइंग इफेक्ट। जहाँ पर हमें ग्लो लाना है वहाँ पर हमें आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अपने वीडियो लेयर पर कैसी ड्रॉ कर रहा हूँ आउटलाइंस, तो आपको भी ध्यान से ड्रॉ कर लेनी है। ये तो मैं फटाफट कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, इसके लिए अच्छा है थोड़ा सा नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एकदम ध्यान से वीडियो की आउटलाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपका वीडियो बहुत ही गजब दिखे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से थोड़े लेयर पर ऐड कर लेता हूँ और आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है यहाँ पर। तो मैं आगे भी थोड़ी आउटलाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रख लेनी है कि आप जितनी ज़्यादा लेयर ऐड करोगे उतना ज़्यादा वीडियो में आपका ग्लोइंग इफेक्ट रहेगा। तो अब मैं आगे जो वीडियो में ग्लोइंग इफेक्ट डालने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर की इफेक्ट डालने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ फटाफट से। तो आप ऐसे ही आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद ग्लोइंग इफेक्ट ला सकते हो और आप प्रीव्यू भी देख सकते हो यहाँ पर। प्रीव्यू देखने के बाद इस वीडियो को सेव कर लेना है अपने गैलरी में। सेव करने के बाद आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ गई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। और अगर ज़्यादा प्यार दिखाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर देना। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।